ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चतुर्द स्कंध अध्याय 20 श्लोक क्रमांक 37। भगवान अपि राजऋषे सवुपाध्यायस्य च अच्युतः हरन् इव मनः अमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यत। भगवानपि राजर्षे सोपाध्यायस्य चाच्युतः हरन्निव मनोमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यतः। शब्द भगवान भगवान अपि भी राजऋषे राजर्षि का सा उपाध्यायस्य अन्य समस्त पुरोहितों सहित च भी अच्युतः अचूक भगवान हरन मोहते हुए इव निस्संदेह मनः मन अमुष्य उसका स्वधाम अपने धाम को प्रत्यपद्यता लौट गए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। राजा तथा वहाँ पर उपस्थित पुरोहितों के मनों को मोहित करने के बाद अच्युत भगवान परव्योम में अपने धाम वापस चले गए हैं। तात्पर्य चूंकि भगवान सर्व आत्ममय है अतः वे अपना शरीर बदले बिना परव्योम से नीचे आ सकते हैं इसलिए वे अच्युत अथवा अचूक कहलाते हैं। जब जीवात्मा इस संसार में आ गिरता है तो उसे भौतिक शरीर धारण करना होता है और वो भौतिक शरीर रूप में अच्युत नहीं कहला सकता चूंकि वो भगवान की सेवा कार्य के पद से नीचे पतित होता है। अतः जीव भौतिक जीवन की बद्ध अवस्थाओं में दुख भोगने के लिए अथवा उसका आनंद उठाने के प्रयास में भौतिक शरीर ग्रहण करता है। अतः पतित जीवात्मा च्युत है और भगवान अच्युत कहलाते हैं। भगवान सबों के लिए मनमोहक थे केवल राजा ही के लिए नहीं अपितु उन पुरोहितों के लिए भी जो वैदिक कर्मकांड के अत्यधिक आदि थे। सर्वमोहक होने के कारण भगवान को कृष्ण अर्थात सबको आकृष्ट करने वाले कहा जाता है। महाराज पृथु के यज्ञस्थल में भगवान क्षीरोदकसाई विष्णु के रूप में प्रकट हुए जो भगवान श्री कृष्ण के स्वांश हैं। वे कारणोदाक्षाई विष्णु के द्वितीय अवतार हैं जो भौतिक सृष्टि के मूल है और गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में विस्तार करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु उन पुरुषों में से एक है जो प्रकृति के भौतिक गुणों को अपने वश में रखते हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चाक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतम सावधूतम भर्जन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तु तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमारा ये गौड़ीय ये मठ या गौड़ीय ये पद्धति है इनको उन्होंने श्रुतेक्षित पंथ बताया है। ये श्रुतेक्षित जो है हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में देखेंगे तो ब्रह्मा जी स्वयं भागवतम में एक श्लोक में उद्धृत करते हैं श्रुतेक्षिता। श्रुत मतलब श्रवण, ईक्षित मतलब देखना, मतलब मुख्य रूप से भगवान को देखने की विधि है श्रवण से। हम कानों से भगवान को देख सकते हैं, इसमें वही विधि हम पालन करते हैं। उसी के लिए प्रभुपाद ने यह आयोजन किया हर रोज भागवतम श्रवण, इससे हम हर रोज भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो श्रवण विधि है, इसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और भी बहुत सारे जगह पे इसका महत्व बताया है। जैसा कि उत्तर ईशान्य नॉर्थ ईस्ट वहाँ पे एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ श्रवण कीर्तन का, महोत्सव हो रहा था, तो बंगाल से भी कुछ लोग आए थे। उसमें एक व्यक्ति उस समय कहीं ना कहीं जॉब में था, ऐसा था, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज पास गया और बीच में ही वो उत्सव पूरा ख़त्म नहीं हुआ श्रवण का, और बीच में जाना चाहते थे। उन्होंने बताया कि मेरा जॉब है, मेरे को जाना होगा ऐसा करके। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोले कि ऐसा करो, उनको झूठ बोल दो ताकि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है ऐसा करके। मतलब ये एक महान आचार्य जो सिंहा गुरु है और उनका स्थिति मंजरी स्थिति के हैं, तो ये एक हरि कथा के लिए एक झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं उनके शिष्यों को। तो आप समझ सकते हैं हरि कथा कितना मुख्य है, जिससे हमारा चेतना का अवस्था बहुत बदल सकता है। और श्रील प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि जैसा यहाँ पे इलेक्ट्रिक उपकरण बहुत सारे हैं, एम्पलीफायर है, मोबाइल है, ये सभी जब तक अचेतन रहते हैं, आप उदाहरण रूप से ले लीजिए एम्पलीफायर है, उसको जब तक कनेक्ट नहीं करते हैं प्लग के साथ और स्विच नहीं चालू करते हैं, तब तक सभी उसके जो पार्ट्स है अचेतन अवस्था में। जैसा स्विच ऑन करते हैं वो कहाँ से पावर आ रहा है वहाँ से लेके वो चेतन आ जाता है ना, उसका कोई भी चीज़। इवन वॉशिंग मशीन भी देखिए, घर में रखते हैं वो अचेतन, जैसा आप कन करें वो चेतन हो जाता है। तो जिस प्रकार के एक विद्युत उपकरण जो है विद्युत के प्रवाह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें कृष्णफाइड होना चाहिए। मतलब हर समय भगवान कृष्ण की चेतना हमारे अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे इस श्लोक में भी बताया है कि भगवान जो है उनका जो मनोहर है, मनोहर सभी का मन को हरण करने वाले हैं, और उनका जो सुंदर जो ये है आकार है सभी को आकर्षण करने वाला है। हम ये भी सुनते हैं कि जैसा रामानुजाचार्य के एक वृत्तांत से श्रीरंगम में पहले समय में, अभी भी बहुत जगह पे क्या होता है भगवान को हर रोज़ ले जाते हैं बाहर, और बहुत सारे लोग कीर्तन करके ले जाते हैं भगवान को बाहर। ये तो मधु संप्रदाय में भी है, उडुपी में भी देखेंगे हर रोज़ ले जाते हैं, अलग अलग वाहन होते हैं उसके लिए। तिरुपति में हम बालाजी में देखते हैं। तो इस प्रकार से बाहर ले जाते हैं, तो
रामानुजाचार्य के समय में कोई एक व्यक्ति बाहर एक स्त्री को देखने का बहुत उत्सुक रहता है, तो उसके स्थिति को देख के रामानुजाचार्य को बहुत दुख होता है, क्या स्थिति है इसका, एक स्त्री को देखने के लिए इतना ज़्यादा लालाहित है। तो जाके मिलते हैं उस व्यक्ति से, बोलते हैं कि कल सुबह तुम आ जाओ रंगनाथ मंदिर, तुम्हें इन स्त्री से भी सुंदर व्यक्ति को आपको दर्शन कराऊंगा। तो रामानुजाचार्य जाके रंगनाथ से प्रार्थना करते हैं कि मैं कल आएगा एक व्यक्ति, आपका दर्शन करवाओ, आपका सुंदर रूप को दर्शन करवाओ। तो अगले दिन व्यक्ति आता है, इससे भी सुंदर कोई है मैं देखना चाहता हूँ करके आता है। तो वो रंगनाथ का वो जो सुंदर स्वरूप है देखता है और भक्त बन जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है। तो हम लोग भी बहुत बार रंगनाथ का दर्शन किए, यानी श्रीरंगम बहुत बार गए हैं, मगर हमें भी कोई इतना फर्क नहीं है। मगर वहाँ पे क्या है, गुरु है एक रामानुजाचार्य, उन्होंने वो प्रकट करा दिया उसका, है ना। अभी हमारा आंखों में वो प्रकार का प्राकट्य है भी नहीं, भगवान का दर्शन करके हमारा सारी दुर्गुण चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि हमने इस जन्म में अरे अनेक जन्मों में जो भी भक्ति का साधना किया है, इसके अनुसार हमारा जो शरीर है, अभी अंत समय अभी कब है पता नहीं है, तो मगर अभी तक जो भी हमने साधना की इसके हिसाब से एक तो शरीर तो बना है, वो हो सकता है आधा आध्यात्मिक हो सकता है, आधा भौतिक हो सकता है। अभी जो बचा हुआ समय मैं किस तरफ ले जाऊंगा, उसको पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बनाऊंगा या कुछ ना कुछ परसेंटेज प्रतिशत मैं आध्यात्मिक भौतिक करके ऐसा जन्मों को मैं बढ़ाता रहूँगा, ये तो मेरे ऊपर है। तो यहाँ पे भागवत में अब देखेंगे, अभी चौथे स्कंद में हैं हम लोग, 20वां अध्याय मतलब दूसरा द्वितीय भाग। तो हर जगह पे इस्कॉन में हम देखते हैं भागवत श्रवण होता है सुबह के समय में। तो पूरा भागवतम देखेंगे तो 18,000 श्लोक है। तो साल में कितने श्लोक होते होंगे, लगभग 365 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे त्यौहार होते हैं, कभी कभी क्लास नहीं होता है, तो लगभग सोच लीजिए 250 से 300। तो श्रीमद् भागवतम पूर्ण करने के लिए कितना समय चाहिए होगा पूरा, एक ऐसा ही बड़ौदा में एक बार कर चुके हैं 20 साल शायद, ऐसा है इससे भी ज़्यादा, 60 साल, हाँ। तो ऐसा भी हुआ है कि वहाँ पे इस्कॉन बड़ौदा में 20 साल में हो नहीं होगा, ऐसे भी स्किप करते हैं, उस प्रकार 20 साल में पूरा किया। तो अभी चौथे स्कंद में हैं, तो ऐसा हर रोज श्रवण होगा, मगर ये जो भागवतम खत्म होगा यहीं पे भोपाल में देखेंगे। हम भी चौथे स्कंद में पहले भाग में हैं कूर्मग्राम में, तो पहले स्कंद से शुरू किया होगा ना आपने कभी, कितने साल पहले शुरू किया होगा भागवतम, 2013 से, अभी 10 साल में यहाँ तक आए। इसका मतलब मेरा मृत्यु निश्चित है कि ये आगे बढ़ते बढ़ते कोई ना कोई एक श्लोक में मेरा निश्चित हुआ है मृत्यु, मतलब हम लोग जो भी जहाँ पे हूँ मैं, वो जो श्लोक तक मेरा जीवन चलेगा मैं शरीर छोड़ना पड़ेगा। मेरे पास बहुत ही कब समय है पता नहीं। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज बोलते हैं इसमें कोई हम भरोसा नहीं कर सकते हैं कि जो सांस अंदर ले रहे हैं वो वापस आएगा, उसका कोई भरोसा नहीं, वो वहीं पे हो सकता है रुक जाए। तो बहुत कम समय है, इसमें मेरे को पूर्णता प्राप्त करना है, यदि प्राप्त करना चाहता हूँ तो परिपूर्णता, मतलब सामान्य परफेक्शन से भगवान को नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं व्यक्त करते हैं खटोपिनिषत् इसमें कि नायम आत्म प्रवचनेन लभ्यो, मेरे बारे में बहुत अच्छे प्रवचन देने से मैं लभ्य नहीं हूँ, नहीं मिलूंगा मैं किसी को, ना मेधया, बहुत बुद्धिशाली है, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन कर चुका है, बहुना श्रुते ना, यदि मेरे बारे में बहुत सुन लिया तब भी मैं उसको प्रकट नहीं होऊंगा। कैसे प्रकट होऊंगा, जिसको मैं चुनता हूं उसको मैं प्रकट करता हूं। तो उनकी चुनौती में हम लोग आते हैं क्या इस जीवन में, तो क्या परफेक्शन की अपेक्षा है भगवान का, और हमारे आचार्यों और निकटतम आचार्यों में भी परफेक्शन की क्या स्थिति है, परिपूर्णता मतलब पूर्णता। वो पूर्णता ऐसा नहीं है जैसा कि हम लोग यहाँ पे अभी एरोप्लेन उड़ाना है,
तो एरोप्लेन उड़ाने का मतलब जो पायलट भी और वो जो एरोप्लेन भी कितना परफेक्शन की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हमारा जो टेम्पो ट्रैवलर है इको जैसा नहीं है, ठीक ही हम लोग चल पड़े यहाँ से एमपी नगर और बीच में कहीं रुक गया, रिपेयर कर दिया, हम हो गए, ऐसा नहीं। ये एक बार भोपाल में जो बैठा फ्लाइट उड़ा और मुंबई में उतरना है तो उसमें क्या परफेक्शन की जरूरत होता है, हर एक पार्ट का, उसका हर जगह पे उतरता है तो उसका हर पार्ट चेक करते रहते हैं वो लोग नीचे आके, ताकि क्योंकि उड़ने के बाद फिर कहीं रुक के रिपेयर करेंगे, वो टाइट करेंगे, ये बम्पर लगाएंगे, कुछ नहीं। तो परफेक्शन, कंप्लीट परफेक्शन। और ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ों में परफेक्शन आएगा कुछ चीज़ों में नहीं आएगा, तो हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए हम कई अभी गृहस्थ नहीं है, यहाँ पे गृहस्थ कोई है तो यहाँ पे उनके घर में किसी भाई को रखना चाहते हैं या काम वाले को रखना चाहते हैं, तो क्या देखेंगे उसमें, कुछ गुण तो देखेंगे, क्या सूचि है, क्या मुचि है, कितना साफ रखेगी घर, ये सारी चीज़ तो देखेंगे, बहुत सारे क्वालिटीज़ देखेंगे एक घर के सेवा करने के लिए। तो भगवत धाम के लिए किसी को चुनना जाता है इस भौतिक जगत में, तो उनमें क्या क्या क्वालिटीज़। अभी आईएएस आईपीएस प्रिपरेशन आपने देखा नहीं होगा, यूपीएससी के लिए जो प्रिपेयर होते हैं स्पेशली बिहार के जो बच्चे हैं, मतलब टॉपर्स वही होते हैं सबसे ज़्यादा। तो हम लोग दिल्ली में जब थे मैं देखता था, वो लोग छोटे छोटे कमरा लेते थे, 16-18 घंटे पढ़ते थे। ये बहुत ही एक छोटा सा आईएएस जैसा एक छोटा सा जगह पे एक अच्छा सा पोजीशन प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत करते हैं। ऐसे नहीं है, आप ओलंपिक्स में देखेंगे जो पोल वॉल्ट होता है, मतलब एक लंबा सा पोल दिया जाता है, उनको एक डंडा दिया जाता है, पूरा भाग के उस पर खड़े होके उससे बाहर कूदना है, उधर बहुत बड़ा गद्दा लगा रहता है उस पर गिरना है, मतलब उनमें कितना समय का परफेक्शन चाहिए, ताकि वो लोग कैसे, ये पोल है इस पर ऐसा पीछे से उनका वीडियो दिखाते थे, वो बहुत कम इससे से निकलते हैं गिरते हैं, उतना उतना परफेक्शन। एक भौतिक किस प्राप्त करने के लिए इतना परफेक्शन की जरूरत है, तो हमारा आध्यात्मिक भगवान का स्वयं जो सुप्रीम परफेक्शन है उनको परिपूर्ण है हर इसमें, उनको प्रत्यक्ष रूप से, अभी परोक्ष रूप में हम सेवा में हैं, प्रत्यक्ष रूप में सेवा करना है तो कितना परफेक्शन, कितना हमारे अंदर शुद्धि की जरूरत है, उतना शुद्धि प्राप्त करना है तो हर एक के पास बहुत मौका है। इसके लिए मध्वाचार्य अपने भाष्य में कहते हैं, सनातन गोस्वामी अपने भाष्य में कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जहाँ तक मेरे को याद है भगवद्गीता भागवतम रामायण सॉरी चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में ये उदाहरण उन्होंने दिया है, ये उदाहरण लिया है कि एक भक्त को उन्होंने तुलना किया एक पक्षी के साथ, और भक्ति को तुलना किया एक खुला आकाश के साथ। एक खुला आकाश मतलब अनंत है, अनंत, उसमें जैसा एक पक्षी को छोड़ा जाता है उसके पास कितना मौका है उड़ने का, क्योंकि जैसा भगवान अनंत है ऐसे ही आकाश भी अनंत है, उसके पास उड़ने के लिए बहुत। तो यहाँ पे भी हर एक व्यक्ति के पास अनंत अवकाश है भगवान को प्रेम करने का, अपना प्रेम दिखाने का, भगवान का सेवा करने का बहुत मौका है, मगर हमारे बद्ध अवस्था के कारण हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। मगर जो उस तरह से जब हम धीरे धीरे हमारे आंखों के सामने पर्दे निकलता रहता है तो हम लोग और ज़्यादा इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाने के लिए प्रयास करते हैं। जैसा ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया तो सृष्टि के लिए हमारा शरीर बनाया इस प्रकार से, बॉडी का अलग अलग पार्ट्स बनाया अलग अलग चीज़ों से, पंच तत्व से, पंच महाभूत से बनाया ये शरीर। तो ये शरीर दो प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी शरीर का सेवा में लगा सकता हूँ इसी शरीर का, और इसी शरीर के हमें जब पूर्ण रूप से चेतनामय हो जाएगा तो भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ ये शरीर को। तो इसका डिज़ाइन देखिए, हर जगह पे इंजीनियरिंग हुआ, हर एक कार्य के लिए बॉडी बना, हर जगह पे डिफरेंट लुब्रिकेंट्स जा रहे हैं, ये जॉइंट्स में आप देखेंगे अलग अलग नसें हैं, इसमें सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर भी है, नसें जो है सॉफ्टवेयर जैसा है, तो ये हार्डवेयर इसका पूरा मसल सिस्टम है, हर एक बॉडी का पार्ट का
बनाया डिजाइन ब्रह्मा जी ताकि ये बॉडी भगवान की सेवा में एंगेज करेगा, मगर मेरा बद्धावस्था के कारण अभी मैं उतना सामर्थ्य होते हुए भी, ये बल कपट है मेरे पास, बल होते हुए भी मैं बल पूरा भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा, मेरा इंद्रिय इस शरीर के संबंध वस्तुओं में लगा रहा हूँ। आजकल सोलर विद्युत चालू हुआ है, बहुत सारे घर वाले जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो लोग सोलर पैनल उनके छत पे लगा सकते हैं, उससे जो पावर बनता है तो उसके घरेलू जो उपकरण के लिए प्रयोग करते हैं। यदि हर रोज जो भी प्रोडक्शन होता है उसके अंदर जो बिजली, यदि जो एक्सेस होगा ज़्यादा होगा वो वापस गवर्नमेंट को बेच सकता है, उसके लिए एक यूनिट लगा रहता है, वो जो भी जनरेट हुआ वो कितना कंज्यूम कर रहा है और कितना गवर्नमेंट को बेच रहा है। तो हर रोज जो हम खाते हैं उससे हमारा जो पेट के अंदर भगवान ही शक्ति दे रहे हैं, ऐसा मतलब परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज बता रहे थे, सामान्य विषय नहीं, ये तो उन्नत भक्ति बोल सकते हैं इस प्रकार से। एक बार पूरी व्यास पूजा, अभी का नहीं इससे पहले का व्यास पूजा में बता रहे थे कि ये हमें लग रहा है कि ये जो जगन्नाथ रथ को हम लोग खींच रहे हैं, मगर वो खींचने की ताकत वही देते हैं, अपना जो रथ को अपने वही खींचते हैं। एक्चुअली देखेंगे तो इसके अंदर शक्ति किनका है, भगवान का है, इस प्रकार को देखने का तरीका देखिए। तो ये जो हम लोग अन्न खाने से पेट से जो भी ऊर्जा पैदा होता है वो ऊर्जा हम लोग इंद्रिय भोग में मैं लगाता हूँ, वही जो है। यदि मैं ये जो शरीर को मन ये आत्मा को टिकाने से ज़्यादा एक दाना भी ज़्यादा खाता हूँ ये मेरे लिए कर्म बंधन बनता है, मैं भोग कर रहा हूँ इसका, इसको गिनना मुश्किल है कितना रोटी मेरे को ज़रूरत है इसके लिए, कितना चावल चाहिए, नहीं, क्योंकि बद्धावस्था है, अन्नमय चेतना में हम लोग भोग अभी भी लगता है, आशा है अभी भी इसमें टेस्ट है, कितना हम कितने जन्म में कितना खाया कितना टेस्ट किया, तब भी अभी रसगुल्ला मिलेगा तभी भी टेस्ट है उसके अंदर, रस दिखता है टेस्ट दिखता है, इसी से हमें ये पता चलता है कि अभी भगवान से हमारा इतना आकर्षण नहीं है। हर रोज हम लोग एक्सटेसी में आते हैं, बहुत बड़ा सुख का अवस्था प्राप्त करते हैं, कब, जब 16 माला फिनिश हो जाता है हम और ये जो माला को कहीं टांग देते हैं, कितना खुश होते हैं हम लोग, नहीं आज का बोझ खत्म, आज का टेंशन खत्म, अभी तो घूमेंगे फेरेंगे ऐश करेंगे, नहीं अभी तो हो गया टेंशन, आज का तो खत्म हो गया। तो ये अवस्था मतलब बहुत दुर्दशा है, ऐसा संस्था मिला ऐसा माहौल मिला तब भी ये भोग करने का लालसा इस प्रकार से है, हमें जब तक जैसा अरविंदाक्ष प्रभु बोलते हैं कि माला के अंदर हाथ डालना मतलब सांप के बिल में हाथ डालना जैसा हमें लगता है कि सांप डस ले, हमें अंदर का माला जो है डस ले, मतलब उतना ज़्यादा भी इतना ज़्यादा रुचि नहीं है नाम के प्रति, तो क्या हम बात कर सकते हैं, हम लोग ऐसा गा सकते हैं राधा कृष्ण नित्य लीला कर लो प्रकाश, मतलब इतना जल्दी प्रकाश होने वाला चीज़ है ये सभी चीज़ नहीं, बहुत परफेक्शन की जरूरत है। जब हमारा सुबह से लेके शाम तक का कार्यकलाप में हर एक कार्यकलाप में यदि हम परफेक्शन की तरफ जाएंगे, हर रोज प्रयास करेंगे, और इसके लिए बहुत जरूरी है कॉन्शियस एफर्ट, मतलब ध्यान पूर्वक उसमें लगना। महाभारत में वृत्तांत आता है, जब युद्ध पूरा खत्म हो जाता है भगवान से मिलने युधिष्ठिर महाराज जाते हैं, तो भगवान उस समय ध्यान मुद्रा में रहते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज को आश्चर्य होता है, भगवान जो है, भगवान से पूछते हैं आप भगवान हो के किन से किसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं, आप किसी के ऊपर ध्यान करने की क्या जरूरत है, तो भगवान कहते हैं कि अभी मैं भीष्म पे ध्यान कर रहा हूं। युद्ध पूरा खत्म हो गया, वहां पे कुरुक्षेत्र के युद्ध में वहां पे ये मृत्युशैया पे लेटे हुए हैं, और मगर मेरे ऊपर ध्यान कर रहे हैं तो मुझे ध्यान करना ही होगा। इससे क्या दिखाना चाहते हैं, यदि कोई कॉन्शियस, ऐसे नहीं कि हमारा ध्यान मार्ग है, ध्यान करने की विधि है, मगर यदि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें भगवान का ध्यान पूर्वक है तो भगवान को ध्यान करना ही होगा प्रेमवश, उसमें संदेह नहीं।
हम लोग बेध्यान है हर जगह पे। सुबह उठते मंगल आरती में हम आते हैं, दर्शन खुलने के बाद कभी कभी भगवान का दर्शन मैं बहुत समय के बाद करता हूँ। और आपका भी स्थिति ऐसा नहीं कि मेरा हृदय अलग है आपका कुछ अलग है, ऐसे नहीं है, आपका भी स्थिति ऐसे ही होगा। कभी कभी बाद में याद आता है अरे अभी तक तो दर्शन नहीं किया, कहीं इधर उधर कहीं भटका, क्योंकि ये जो माइंड है बहुत तेजी से घूम रहा है, हार्ड डिस्क जैसा घूम रहा है। यहाँ पे जो पुजारी है वो घुमा रहा है दीपक, मगर उसका माइंड तो कहीं और घूम रहा है। ऐसे पाकशाला में वो भी खड़ची हिला रहा है मगर उसका माइंड घूम रहा है। हर जगह पे जो भी हम लोग हाथ पावड़ा वावड़ा चला रहे हैं मगर हमारा मन भी स्पीड से चल रहा है, विषय के भोगों में इतना तेज चल रहा है, उसको स्थिर करना पड़ेगा। ध्यान से हमारा नाम जप करना ही होगा, तो उसके लिए व्यवस्थित होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा हर एक व्यक्ति को। वहां पे ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति का जरूरत है। आईएएस के लिए कोई सेलेक्ट हुआ या बड़े बड़े कंपनीज के सेलेक्ट होता है, उनका ट्रेनिंग प्रोसेस कैसा होता है, कैसा सेलेक्शन है, हर कोने से उसको टेस्ट किया जाता है यस ये फिट है, तब एक जिला का अधिकारी बनाया जाता है। तो ऐसा ही हम लोगों का सुबह से लेकर एक्टिविटीज में हम कितना ऑर्गेनाइज्ड है, वो व्यवस्थित होने से हम लोग भक्ति का उन्नत स्तर पहुंच सकते हैं। इसका मतलब समय, मंगलारती का समय, ऐसा नहीं क्लास का समय, संध्या आरती या कोई भी से, हम तो समय से जाएंगे प्रसाद लेने के लिए तो समय लेंगे हम लोग, या एकादशी का कब, द्वादशी का पारण समय के लिए हम लोग इतना, ये तो है हम लोग समय बहुत ही पालन करते हैं मगर भगवान को दर्शन करने के लिए वो नहीं है। तो कोई व्यक्ति से ये जो काल है, काल उसको संदेह होना चाहिए मैं सही हूं या ये सही है, मतलब उसको संदेह होना चाहिए ये समय से आ गया, कभी मंगल आरती 4:30 उससे पहले वो, तो उसको संदेह होना चाहिए ये तो मैं सही हूं या नहीं। ऐसा कभी कभी संदेह होता है। मैं एक जोक सुनाता हूँ। मैं पहले जॉब करता था यहाँ पे, पोस्टेड था मैं 5 साल, तो हमारे ऑफिस में एक गुजराती भाई भी थे, वो हमारा मेनली कभी स्टार्टिंग फेज में हमारा टूरिंग होता था इधर, मैं भी एमपी का 70% एरिया मैं कवर करता, ऐसे सभी के लिए एरिया रहता है, इतना एरिया डीलर्स को कवर करना है। तो मेरा साथी था, उसको किसी ट्रेन में चढ़ना था, ट्रेन टिकट है सब कुछ है, उसने गलत ट्रेन चढ़ चुका है और वहाँ पे टीटी आया, अभी ट्रेन चली नहीं मगर टीटी कन्विंस किया, ट्रेन टीटी गलत ट्रेन पे चढ़ा है ऐसा कन्विंस कर दिया उसने। टीटी को भी डाउट हुआ है कहीं गलत तो मैंने, हाँ मैं तो नहीं हो गया, इतना ज़्यादा कन्विंस कर दिया, मतलब उसको ये कन्फ्यूजन हो गया। मतलब ऐसे ये समय को कन्फ्यूज होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ये तो हर एक समय ये कैसे आ सकता है, समय से आ सकता है, मतलब कुछ तो जागृत अवस्था में आ रहा है। भगवान अपने आप को दर्शन देना चाहते हैं और हम लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं है, उनके बारे में श्रवण हो रहा है, हम लोग समय से उपस्थित नहीं है, तो हमारा समय का, इसी से हमारा परफेक्शन का पता लगता है, स्थिति क्या है, समय का क्या ध्यान दे रहे। दूसरा, हम लोग यहाँ पे सुबह से लेके एक एक एक्टिविटी का हम देखेंगे, जब हम कीर्तन में यहाँ पे नहीं रहते हैं, ये चारों कमरे के बीच में नहीं रहते हैं, और हम कभी भी वर्तमान काल में नहीं रहते हैं, भविष्य में रहते हैं या भूतकाल में रहते हैं, वर्तमान, अभी भगवान का मैं गुणगान कर रहा हूं ऐसा भावना बार 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 लाना पड़ता है मगर मन नहीं रहता है। ऐसे ही नाम जप करते वक्त आप कितना भी प्रयास करिए, 1-2-3 माला करने के बाद मेरा जो है मेन, हर एक का यही वृत्ति है, बहुत बड़ा एरोप्लेन्स में क्या होता है, ऑटो पायलट मोड होता है। ऑटो पायलट मोड मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रैवल करने वाले एरोप्लेन्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं कि हर समय वो चेतना अवस्था में एरोप्लेन वो चलाते हैं, ऐसे नहीं, एक समय उड़ने के बाद वो लोग ऑटो पायलट मोड लॉन्च करते हैं ताकि अभी फ्लाइट अपने आप कंट्रोल ले लेता है, अपने आप को पता है कितना डिस्टेंस कवर करना है, कब क्या स्पीड में लेना है, वो सारी चीज़ ऑटो कंट्रोल वो नहीं होगी। तो ऐसे जैसा मैं माला पकड़ता हूँ, पहला दूसरा तीसरा तक तो रहता है, मैं उसके बाद स्विच ऑन करता हूँ, मैं इस दुनिया में नहीं रहता हूँ।
मैं घूमता रहता हूँ घूमता रहता हूँ, कभी यदि भगवान की कृपा से याद आए तो वापस आता हूँ, फिर वापस जागृत अवस्था होता है बहुत, फिर वापस आता है, मैं करता रहता हूँ। इसके बारे में आशुतोष चेतन प्रभु बहुत पहले मेरे को एक वृत्तांत सुनाया जो उज्जैन टेम्पल में हुआ। बुरीजाना प्रभु आए थे वहाँ पे, वो जपा सेमिनार ले रहे थे। तो बुरीजाना प्रभु ने, मैंने डायरेक्टली नहीं सुना, उनसे सुना मैंने, उन्होंने किसी एक डिवोटी को उठाया और उनको बोला है कि ठीक है मेरे बारे में जो भी सुना है सुनाओ। फिर वो व्यक्ति उठा, डिवोटी उठा और बुरीजन के बारे, प्रभु के बारे में जो भी सुना होगा, या हांगकांग में प्रचार करते थे, ये किताब लिखा, ऐसा 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 उसको बता रहा था। वो जब बताना चालू कर दिया थोड़ी देर के बाद, बुरीजन प्रभु उससे ध्यान नहीं दिया, फिर किसी दूसरे से बात करने लग गए, ऐसा कुछ तो कोई व्यवहार, तो सब कुछ हो गया, उसने चुप कर हो गया। फिर उसकी तरफ देखा कि बोला है कि कैसा लगा, एक तो मैंने पूछा मेरे बारे में बताने के लिए, मगर मैंने इधर सुन रहा हूँ उनका सुना ही नहीं, तो कैसा लगेगा। तो ऐसे ही भगवान का नाम लेने का मैंने इच्छा जताया, मगर भगवान को मैं हवा में छोड़ रहा हूँ, मैं उनको याद नहीं कर रहा हूँ। भगवान को ये बहुत बड़ा पुकार है, भूख, मतलब ये तो उर्दू शब्द है, मेरे को हिंदी के शब्द इसका नहीं मिला बराबर, पुकार बुलावा है भगवान के लिए, मैं आपका सेवक बनाना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ। और ये बार बार भगवान, एक्चुअली हम इतना माला जपते हैं, कभी ये भावना भगवान तक पहुंचता है ये व्यक्ति मेरे को मेरा सेवक बनना चाहता है, ऐसा करके मैसेज हर रोज सुना रहा है मेरे को, ऐसे कर भगवान तक कब जाएगा। हम ध्यानपूर्वक जप करें और उसके पीछे बैक ऑफ द माइंड क्या होना चाहिए, मैं सेवक बनना चाहता हूँ, ये वृत्ति भगवान तक पहुंचना चाहिए। मगर हम थोड़ी देर में छोड़ देते हैं वो सारी चीज, हमारा ध्यान नहीं है वैसा। तो ये अवस्था कब आएगी कि हर समय मैं भगवान को धारण कर सकूं मेरे हृदय में, क्योंकि भगवान को धारण करना मतलब ये आसान बात नहीं है। हृदय में हम तो वैष्णव गीत तो गा लेंगे, गोविंद विश्राम करो, कैसे विश्राम कर सकते हैं गोविंद अंदर, जब हम हर समय भोग की लालसा करेंगे तो इतने में हम उठा देते हैं उनको, आराम करने का मौका ही नहीं देते हैं हृदय के अंदर। नहीं, कोई ना कोई भोग करने की इच्छा जताएंगे तो कहाँ हमारे हृदय के अंदर भगवान आराम कर सकते हैं, आराम करने का मौका नहीं देते हम। तो इसी के लिए हमारा ध्यानपूर्वक, ध्यान के लिए प्रभुपाद ने भगवद गीता में बताया, जैसा मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, जैसा कछुआ जो है, कछुआ अंडे समुन्द्र के पानी में नहीं देता है, वो तट पे आता है, एक रेत को थोड़ा सा निकालता है, उसमें अंडे देके बंद करके फिर चला जाता है समुन्द्र में, फिर वहाँ से वो मेडिटेट करता है वो अंडे पे। कोई भी आप देखेंगे पक्षी है, वो अंडे पे बैठना पड़ेगा उसको, तो उसके गर्माहट बोलते हैं ना, गर्माहट से वो कुछ समय में वो हैचिंग होगा या वो उससे बच्चे पैदा होंगे। मगर कछुआ के केस में ऐसा नहीं है, वो नहीं बैठता है अंडे के ऊपर, वो तो वहाँ पे रख दिया तट पे, एक रेती से ढक दिया और समुन्द्र में जाके पानी में मेडिटेट करता है वो अंडे पे, ताकि वो धीरे धीरे हर रोज मेडिटेट करता है, उसी से वो अंडे से बच्चा पैदा होता है। ऐसे नहीं, फिर प्रभुपाद ये भी एग्जांपल देते, एक मछली है, मछली क्या करता है, अंडा दे के अंडे को देखता रहता है ऐसा, उसी से वो बच्चा पैदा होते हैं। ऐसे नहीं, हम लोग ये भी वृत्तांत सुनते हैं, विष्णु के भक्ति करने वाले एक ब्राह्मण जो है वो मानसिक भजन किया और वो कड़ची हिला रहा था, ऐसा उंगली भी चला गया, उंगली जल गया, तो मेडिटेशन, भगवान को माइंड में लाना। एक्चुअली ऐसा आचार्य लिखते हैं, भगवान को मन में ऐसा लाना, विचार उनके बारे में लाना, ये एक त्यौहार की जैसा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, मगर हमें महसूस नहीं होता। कोई स्त्री का चिंतन करते हैं तो हमें त्यौहार ये आता है, मगर भगवान के बारे में अभी वो नहीं है। भगवान को एक बार, उनका सुंदर रूप को एक बार मैं अभी ध्यान कर रहा हूँ तो ये त्यौहार जैसा है, ये हृदय के लिए बहुत त्यौहार, मगर अभी वो स्थिति नहीं है, बद्धावस्था है। तो हमें नाम जप करना, कृष्णदास गविराज गोस्वामी बताते हैं, एक बार कृष्ण कोई बोलता है जीभ से ध्यानपूर्वक, ऐसा ध्यानपूर्वक वहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं, मगर एक बार भी नाम लेता है
उससे जो मिलने वाला जो फल है, यदि कोई व्यक्ति बोलता है एक करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने के फल के समान है, एक ही बोलता है, वो पाखंडी है, पाषंडी है। मतलब अश्वमेध यज्ञ करना मतलब क्या है, एक अश्वमेध यज्ञ मतलब कितना धन इकट्ठा करना पड़ता है। उसी के लिए अर्जुन का नाम धनंजय हुआ ना, धन को इकट्ठा करने के लिए, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, धन के लिए उत्तर दिशा में गए, बहुत सारे धन को लाए। मतलब एक अश्वमेध यज्ञ करने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, उसके जो मिलने वाला जो भौतिक फल है, ऐसा करोड़ों से जो मिलने वाला फल से भी यदि कोई तुलना करता है तब भी वो पाखंडी है। तो एक बार कृष्ण मैं ध्यानपूर्वक लूंगा तो क्या फल मिलने वाला है, यदि मेरे को ये प्रयोजन तत्व पता है और इतना कुछ बोल रहा हूँ, इतने प्रवचनों में बोला, मेरे को कुछ जागृत हुआ है, तो कितना हमें वो नाम लेते वक्त कृष्ण राम हरे कितना ध्यान होना चाहिए, क्या फल मिलेगा। ऐसे तो शास्त्रों में वर्ण में सहस्र श्री राम राम रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराने। एक बार राम ऐसा शब्द लेने से सहस्र नाम, विष्णु के हजारों नाम लेने के फल है, ऐसे कृष्ण नाम लेने के, तीन राम लेने, नाम लेने के फल है, तो कितना फल है। मैं ऐसे कैसे बोलूं, मेरा प्रयोजन तत्व अभी पता नहीं है। यदि मुझे प्रयोजन पता लग जाए, जो भी मैं कार्यकलाप कर रहा हूँ सुबह से लेके आध्यात्मिक विधि में, क्या प्रयोजन होगा इसका, तो मैं मेरे जो अभिधेय में अंतर आ जाएगा। अभिधेय मतलब जो कर रहा हूँ ना उसमें उस अवस्था का बदलाव हो जाएगा। यदि मैं हर एक कार्यकलाप का प्रयोजन तत्व हम समझ लें कि मतलब सुबह उठ रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, मेरा आंख भगवान की सेवा में लगे हैं नहीं लगे हैं, मेरे चेतना अवस्था में देखूँ, मेरे कान लगे हैं नहीं लगे हैं, उसी के लिए हर रोज जितना भी जल भगवान को लगा हुआ मेरा ऊपर गिरता है, सुगंध ले रहा हूँ, उस सभी से शुद्धिकरण, सभी का जितना ज्यादा होगा उतना ज़्यादा शुद्धिकरण होगा, तो उसमें कोई संदेह नहीं। उसी के लिए कितना भी मौका मिलता है हमें आरती में भाग लेना है, कीर्तन में उत्साह से नाचना है। ये नाचने का मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक हफ्ते पहले भी बताया, ये नाचने का विधि हमारा मुख्य रूप से ऐसा नहीं कि कोई एक हिंदी का पिक्चर है उसमें एक व्यक्ति का हाथ काट दिया है दोनों हाथ, उसके बाद उसने जीवन भर शॉल ओढ़ के ऐसे ही रहा, मतलब कोई ये नहीं है। आप सभी वो पिक्चर देख रहे होंगे, अभी मैं बता रहा हूँ, यही है श्रवण का महिमा, जो आपको बताएंगे वो देख लेंगे आप। तो अभी श्री रंगनाथ के बारे में बताया आपने, सभी ने रंगनाथ का दर्शन किया होगा अभी, नहीं? जैसे मैं रंगनाथ का बताया वो प्रोसेशन का भी दर्शन किया होगा आपने, तो रामानुजाचार्य का भी एक रूप आपको दिखा होगा। मैं बस अभी ले रहा हूँ, तो हाँ वो दर्शन करते हैं, तो वहाँ पे मैं अभी ये भौतिक एक फिल्म की बात कह रहा हूँ, तो वहाँ पे वो ये शॉल उड़ के ही रहता है वो, क्योंकि हाँ हाथ हाथ है ही नहीं। तो हमें भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, तेजी से कीर्तन हो रहा है, हम ऐसे खड़े हैं शॉल ओढ़ के कई कोने में खड़े हैं, कुछ नहीं, वृद्धावस्था में हो सकता है, 50 के बाद सोचिएगा ऐसा संभावना है। तो इसके बारे में नटेश्वर नरोत्तम प्रभु सीधा बहुत फोर्सफुली बताते हैं, शुरुआत में भक्त शुरुआत में आगे रहते हैं, फिर धीरे धीरे बीच में पहुंचते हैं, ऐसे 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 कोने में पहुंच जाते हैं, कुछ नहीं, फिर कीर्तन चलता रहता है, वो ऐसे ही हाथ भी उड़ाएंगे तो ऐसा पक्षी जैसा दो तीन ऐसा, तो हाथ उठाओ तो ऐसे उठाओ, भगवान से मांगो, तो उत्साहपूर्वक अभी तो शक्ति है, सामर्थ्य है, नाच सकते हैं। हम तो पहले खेती में काम करते थे, सुबह दर्शन आरती में मंगल आरती में नाच पाते हैं, संध्या के आरती में थोड़ा शक्ति तो कम होता है, इतना ज़्यादा नाच नहीं पाते। मगर महाराज कह रहे हैं आप यदि कम्युनिटी में रह रहे हो, आपके जो किसी पे कोई इच्छा द्वेष पूरा से बाहर निकलना चाहते हो, जम के नाचो कीर्तन में, ये बहुत जरूरी है। जब इस प्रकार से नाचेंगे दूसरे पे द्वेष भावना चला जाएगा, ऐसा पूरा ये महाराज ने नंदग्राम को दिया गया एक मंत्र है, खूब कितना भी शक्ति है उतना शक्ति लगाओ नाचो, कोई शर्म मारने की जरूरत नहीं है। तो कल से मंगल आरती में बहुत फर्क आएगा ऐसा लगता है, मगर ऐसा है ही नहीं। हम तो क्या है, बाहर जाते हैं सब छूट जाता है, सब चला जाता है, कॉन्शियस इतना जल्दी हमारे इसमें नहीं, चेतना में नहीं छेड़ने वाला है सारी चीज़। तो ये जितना उत्साह से आप भाग लेंगे कीर्तन में, वो उत्साह को देख के लोगों में बदलाव आ जाएगा। इतना उत्साह कैसे, इतना आनंद कैसे, वो महाराज का एक पॉइंट था,
जिस समय मंगल आरती में लंदन गया, ये लोग कूद रहे हैं, ठंडे पानी में नहा रहे हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब उनका स्थिति बता रहे थे। लंदन का जो ठंड है क्या रहता है, माइनस में रहता है टेम्परेचर, उसमें ठंडे शॉवर से पानी लेना और सभी लोग कूदना मंगल आरती में, वो देख के महाराज के अंदर बहुत परिवर्तन आया, इनको कुछ तो मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हमें अभी नहीं मिल रहा हो, तब भी करते रहो मिल जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा एक दिन। ये पूरा जो है गोलोक जाने की तैयारी है हम लोग। अभी भगवान कृष्ण जो है वो भगवान करके जानने वाले लोग पूरा विश्व में बहुत कम लोग हैं। गोलोक में तो भगवान करके जानते नहीं कोई, भगवान कृष्ण का नहीं, गोलोक में ये भगवान करके कोई नहीं जानते। जो मुख्य रूप से पांच रसों में जो भी स्थित है वो लोग नहीं जानते भगवान। इससे ऊपर जो भी वैतरणी नदी है, उससे ऊपर जो भी वैकुंठ लोकों में, वैकुंठ में कृष्ण भगवान नहीं जानते, विष्णु भगवान है, नारायण भगवान नहीं जानते, कृष्ण भगवान नहीं जानते। और बचा हुआ ये जो भौतिक लोकों में भी कितने कम लोग जानते हैं कृष्ण भगवान है, इस्कॉन ऐसा कुछ चार सब, इवन महान संस्था है जो श्री संप्रदाय है, मध्व संप्रदाय है, वो वर्शिप कर रहे हैं कृष्ण का ही, गोविंदा गोविंदा बुलाते हैं, मगर कृष्ण भगवान नहीं जानते विष्णु। मतलब उनको भी कुछ लेवल का उन्होंने भगवान ने पर्दा डाल के रखा है। ऐसा गौड़ीय और इस्कॉन ऐसा संस्था है जिसमें हम लोग कृष्ण को भगवान मान रहे हैं, और धीरे धीरे में हम लोग भी भक्ति के उन्नत स्तर में पहुंचेंगे तो हम लोग भी भगवान को त्याग करेंगे। नहीं ऐसे ही है ना, यही अवस्था पहुंचना है ना, ये भगवान करके जो भावना है अभी तो हम लोग वही वापस उसी अवस्था में पहुंचना है, तो भगवान नहीं है। तो भगवान को भगवान समझने वाले बहुत कम लोग हैं। तो यदि हम उस स्तर का पहुंचना चाहते हैं तो नाम भजना, भक्तिदान शास्त्री महाराज बोलते हैं वी हैव ओनली वन वेपन इन आवर हैंड, मतलब ये जरूर रूप से ये वेपन है, AK-47 है, मतलब जिसके अंदर AK-47 हम राइफल एक गन देखेंगे तो उसमें बुलेट्स कैसे जाते हैं, पूरा बेल्ट के रूप में जाते रहते हैं। नहीं एक एक वो जो उसका कैट्रिज बोलते हैं वो अलग अलग हो जाता है, मगर मारना शत्रु को मारना है। ऐसे ही हमारा माला के अंदर जो बीड्स है भगवान को जीतना है। ऐसे भक्तिदानंद सरस्वती महाराज बोलते हैं जैसा आप हाथ आपके माला में डालते हो तो चैतन्य महाप्रभु के चरण छू रहे हो आप लोग, तो कैसे हमारा अवस्था आएगी। वो माला को पकड़ा, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो नाम नामिनो अभिन्नाद, ये दोनों में फर्क नहीं है। कब महसूस होगा, मैं ऐसे हवा में छोड़ रहा हूँ, मेरे को अभी तक ये नहीं पता चला। तो ऐसे ही हर रोज भागवतम पढ़ने का, और ये श्लोक में तात्पर्य में भी लिखा गया है कि ये जो शरीर हमें थोपा गया है, ये शरीर हम लोग ये शरीर के रहने वाले नहीं है। प्रभुपाद इसके बारे में ये भागवतों के एक प्रवचन ये श्लोक लेते हैं, अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानता विद्वाम सात्व चक्रे सात्वत संहिता। लोकस्य अजानता, लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग कितना जान चुके हैं वो भी है। ऐसा नहीं बहुत सारे श्लोक जो है ओनली भौतिक लोगों को जो भक्ति में नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे श्लोक जो ऐसा भक्ति में नहीं है लोगों को उनके लिए, ऐसे ही हम लोगों को भी है। हम जो स्तर में है उसके हिसाब से निवृत्त तरस रूपगीय मानाद भवशदोचोत्र मनोभिराम का उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरज्य पुमान विरज्य सह आत्महांत विना पशुघ्नात। मतलब पशुघ्न, पशु को वध करने वाला, तो ऐसा ही व्यक्ति होगा जो भवावशोधि भवाऔषधि है कृष्ण के बारे में सुनना, उन चीजों को ऐसे छोड़ सकता है व्यक्ति। तो ये हम भौतिक लोगों के लिए भी बोल सकते हैं, मगर हम लोगों के भी बोल सकते हैं, क्या मेरे अंदर जागृत हुआ, मैं भी पशुघ्न, अभी भगवान के बारे में श्रवण करने की इतना ज्यादा इच्छा नहीं। और भगवान का कीर्तन हम करते हैं, हम लोग ट्यून्स पे ज़्यादा जाते हैं, भक्तिदान कैसे काटते हैं, भक्तिदान भाई वो पढ़िए, द चैंटिंग ऑफ होली नेम्स,
वो एक चैप्टर काफी है पूरा हमारे संस्था के लिए, वो एक चैप्टर चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स बहुत बदलाव आ सकता है पूरा ये मूवमेंट में। हम लोग सोचते हैं कि गले का जो प्रदर्शन है, मतलब ऐसा ऐसा रागों का प्रदर्शन है, वो भगवान से आकर्षण नहीं कर सकते हैं। जब भक्तिदानंद सरस्वती महाराज में कोई कीर्तन कोई कर रहा था, मतलब सभी ने करताल उसको दिया कि जो अच्छा गाता है, तो भक्तिदानंद सरस्वती उसके हाथ से लेके दूसरे को दिए जो अच्छा नहीं गाता है। ऐसा नहीं कि सुंदर नहीं गाना है, मगर हम लोग अभी बहुत, और उस चैप्टर में क्या लिखा है, यदि हम लोग अभी बहुत सारे मृदंग करताल के अलावा बहुत सारे और अलग अलग वाद्य पे अभी भी हमारा, क्योंकि पहले से सुन चुके हैं ना, बहुत सारे गाने सुन चुके हैं, बीट सुन चुके हैं, ये सभी चीज़ों पे आशाकर्षण है। वहाँ भक्तिदानंद महाराज बोलते हैं अभी बद्धावस्था के कारण ये सभी चीज़ हमें प्रयोग करना पड़ रहा है ये लोगों को आकर्षण करने के लिए नाम के प्रति। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, अभी भी हमें बजेगा तो हमें भी अभी भी वो उत्साह आता है नहीं, मगर गौरविहिता वो तो चैतन्य महाप्रभु को पसंद होने वाला नहीं है, कीर्तन नहीं है। तो हमें समझना चाहिए मृदंग करताल, स्टिक टू मृदंग करताल। हमें बहुत सारे वाद्य का, बहुत सारे ट्यून्स का आनंद हो सकता है, क्योंकि हमारा भौतिक स्थिति ऐसा है, पहले से सुन चुके हैं ना बहुत सारे गाने। दूसरे के लिए कीर्तन करने वाला और हम लोग सुन रहे हैं, सभी चीज को चेतना बहुत मिला हुआ है। हमें हर समय कीर्तन करते वक्त, मृदंग बजाते वक्त हर समय चेतना की अवस्था क्या होनी चाहिए। इवन वहाँ से हम लोग भगवान का जब, प्रभुपाद का जब ये भी करते हैं दंडवत प्रणाम, मतलब क्यों हम लोग परफेक्शन नहीं ला सकते। उसमें बताया कि ये अष्ट अंग तो टच होना चाहिए ना, जो भी बताया गया है, जैसा माइंड भी होना चाहिए, अंग भी होना चाहिए, बॉडी के ये पार्ट होना चाहिए। किसी का ऐसा करते हैं कि इसका चेस्ट तो कभी चेस्ट हो टच होता ही नहीं जमीन पे, तो एक अंग आप तो फिर अष्टांग प्रणाम नहीं कर रहे हैं, सात अंग कर रहे हैं या षष्ठांग कर रहे हैं, साष्टांग भी बोलते हैं, छह अंग, पंचांग, मतलब वो अंग होगा तो उसका बेनिफिट मिलने वाला आपको वो नहीं मिलेगा। किसी का यही हाथ ऐसा लगा देते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा कोई हैदराबाद में कोई भगवान का प्रणाम कर रहा था, जिसका चेस्ट ऐसा ऊंचा करके कर रहा था, महाराज जाके उसका चेस्ट दबाया तो वो एक परफेक्शनिस्ट इस प्रकार से देखना चाहते हैं, परफेक्शन लाना चाहते हैं सभी में। नहीं तो इतने छोटी छोटी इनमें भी परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी का बहुत केयरफुल आप देख लीजिए क्या परफेक्शन लाना चाहते हैं। हम स्टार्टिंग में 10 साल पहले नंदग्राम में सभी लोगों का शूटिंग हो रहा था प्रमोशन के लिए, माधव प्रभु तो सभी को खड़ा किया कि महाराज आएंगे, बीच में खड़ा होंगे, महाराज के लिए बीच में चेयर, और सभी को खड़ा किया। अभी बोला कैमरा भी रखा हूँ, अभी ऐसे रहिए, आपके स्थान में रहिए। तो इतने में महाराज आ रहे थे, तो बोला कि अभी महाराज को प्रणाम मत करो, अभी प्रणाम करेंगे तो जगह कौन से छोटा है, कहाँ बड़ा, कहाँ पूरा व्यवस्थित गिरने सारी बिगड़ जाएगा। तब भी हमने सभी, अरे महाराज आ रहे हैं तो कैसे बिना प्रणाम के हम लोग रह सकते हैं, ये तो है महाराज करना चाहिए। नहीं 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 मैं महाराज से पूछ लेता हूँ, महाराज को बता देता हूँ, ऐसे करके महाराज के पास गए और महाराज को बोले महाराज ऐसा है कि मैंने सभी को व्यवस्थित रखा है, अभी सभी छोटे आगे है, बड़े आगे है, लेडीज इधर है, प्रभु जी इधर है, सभी को रखा, मगर आपको प्रणाम करेंगे नहीं महाराज ऐसा है। महाराज बोले ऐसा संभव कैसे हो सकता है, गुरु आ रहा है और ये लोग प्रणाम ना करें, ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो सभी को बोलो नहीं प्रणाम करो प्रणाम करो। तो महाराज कहीं भी कोई भी डिविएशन नहीं चाहते, क्योंकि सुप्रीम परफेक्शन की सेवा है। तो महाराज ये भी चाहते हैं साथ ही साथ, वन ऑफ माय मिशन इज टू, महाराज बोल रहे हैं दुबई में किसी को, वन ऑफ माय मिशन इज टू डिस्ट्रॉय माय डिसाइपल्स मटेरियल करियर, बर्बाद करना चाहता हूँ मेरे शिष्यों का जो भौतिक जो जीवन, ये सोच रहे थे सो कॉल्ड इतना बड़े बड़े लोग जो है, मैं बड़ा जॉब में हूँ, ये सारी मैं बर्बाद करना चाहता हूँ, उसमें उतरे हैं। और आप लोग भी सहयोग करना चाहते हैं, सहयोग करिए गुरु महाराज के वो मिशन में भी। कुछ लोग तो बर्बाद हुए हैं यहाँ पे, नहीं बड़े बड़े सर्विस कर सकते थे, हैं बहुत बड़े बड़े सेवा कर सकते थे, इंटेलिजेंट थे बहुत सारे, ऐसे ही बाकी लोगों को हम क्यों, एक्चुअली एक अभक्त है
अभक्तों को देख के भक्तों का कुछ तो कंपैशन होएगा ना, ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज जैसा कंपैशन तो नहीं आएगा। नहीं वो द्विजय पर दुरत्यय वैतरण्यास त्वद्वीर्य गायन महामृत महामृत मग्न चित्तो सोचे ततो विमुख छेद स इंद्रिय अर्ध माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। वो स्तर तो प्रारंभ अवस्था में नहीं आ सकता है, इतना कंपैशन इतना दया जो भौतिक लोगों के ऊपर कि मैं वैतरणी नदी पार करने का कोई इच्छुक नहीं हूँ, मैं यहाँ पे भौतिक सुख माया सुख ये लोग भर रहे हैं, मैं तो आपके गुणगान गाने में मैं बहुत मग्न चित्त हूँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं, कहीं भी रहूँगा। मगर ये यहाँ के मूर्ख लोग जो है आपके नाम नहीं ले रहे हैं। प्रभुपाद लिटरली वहाँ पे मेंशन करते हैं, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, उसमें प्रभुपाद ऐसा मेंशन करते हैं, प्रहलाद ऐसा बोल रहे हैं कि लोगों को पता नहीं विधि क्या यहाँ पे आनंदमय जीवन जीने का, नते विदु स्वार्थ गतिम सुप्रीम बेनिफिट उनको पता नहीं है। एक भौतिक व्यक्ति कृष्ण चेतना कृष्ण भक्ति कुछ भी नहीं जानता है, उसके प्रति भक्ति में कुछ लेवल का हम लोग आगे कुछ तो है, प्रारंभ अवस्था ही हो सकता है, मगर उनके प्रति कुछ तो हमारा रहेगा। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, सर्वधर्म सार, जीवे पे थोड़ा सा भी दया नहीं होगी हमें यदि भगवान का नाम नहीं ले रहा है, भगवान का कीर्तन नहीं कर रहा है, भगवान का दर्शन नहीं कर रहा है, कुछ तो इतना सालों में तो आएगा। ऐसे ही यहाँ पे फुल टाइम्स जो ब्रह्मचारी है इनको दूसरे स्टूडेंट्स को देख के कुछ थोड़ा सा ये नहीं आएगा, इनको कैसे फुल टाइम बनाया जाए, क्योंकि हमारा जीवन तो बर्बाद हो गया, इनको भी बर्बाद क्यों ना करें। ऐसा मतलब वृत्तांत है कि मतलब सभी के सामने नहीं बोलना चाहिए, मगर ये तेलुगु में बोला जाता है। एक विधवा स्त्री जो है वो हमेशा कामना करती है मेरे साथी कौन बनेगी, समझ में है ना, पति को जो खो चुकी है वो ये एक्सपेक्टेशन होगी कि मेरे भी साथ ही कोई आए, मतलब कोई और पति चला जाए और मेरे साथ जुड़ जाए, नहीं। तो ऐसे ही एक फुल टाइम है, आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ, गृहस्थों को क्यों छोड़ा जाए फिर तो? नहीं तो भगवान को सेवा करने का इतना ज्यादा ये है, उसमें कुछ तो हमें महसूस हो रहा है, एक अनुभूति है ना, ये तो ऐसा नहीं कि हम जो कर रहे हैं कोई अनुभूति नहीं आ रहा है। क्या है भक्ति पराईशानुभव विरक्ति अरण्यत्य, भक्ति का तीन चेतना है वो तो मिलेगा ना, भक्ति भगवान को अनुभव करना वो तो रहेगा ही। यदि आप जितना ज़्यादा समय आपके इंद्रियों में लगाने का मौका एक फुल टाइम में मिल रहा है, तो जैसा एक ब्रह्मचारी यहाँ पे फुल टाइम यहाँ पे सेवा कर रहा है, जैसा नया नया स्टूडेंट्स आता है उनके प्रति उनका आसक्ति रहता है, कैसे इसको फुल टाइम लिया जाए। हो सकता है कि उनका दोनों साइड में अपरिपक्वता होगा, मगर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसे ही गृहस्थ भक्त को यदि कहीं से भी मिल गया किसी उन्नत भक्तों के कृपा से, तो मैं दूसरे जो शहर में जो फंसे हुए डिवोटीज का स्थिति देख के मेरे को क्यों इतना थोड़ा सा भी मेरे को दया नहीं आएगी। तो उसी के लिए बहुत जगह पे मैं जब हम फुल टाइम डिवोशन सर्विस, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि वर्णाश्रम फार्म ज्वाइन करो ये करो, कहीं ना कहीं फुल टाइम बनने का कुछ तो प्रयास करिए। भक्ति ही करना है, ऐसा नहीं कि भक्ति भी करना है, भक्ति ही करने का बहुत कुछ साधन हो सकता है, कम से कम प्रयास करिए। ये तो महाराज का बहुत पहले से पॉइंट था, महाराज क्लियरली हमारे एक मीटिंग में बोले थे, ये जामनगर का मीटिंग था, मतलब हम हर छः महीने में तीन महीने में कहरा ये वर्णाश्रम कुछ लोगों के साथ मीटिंग होता रहता है। महाराज बोले कि आई एम सो हैप्पी इफ एनीबडी कम्स टू मी एंड टेल मी दैट आई एम लीविंग माई जॉब एंड आई एम ज्वाइनिंग फार्म कम्युनिटी, आई एम सो हैप्पी। यदि कोई आता है मेरे पास आके, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ महाराज, मैं फार्म कम्युनिटी ज्वाइन कर रहा हूँ, ऐसा कोई मेरे पास आता है महाराज ऐसा व्यक्त किया, आई एम सो हैप्पी। मैं वहाँ पे बैठा, महाराज को बोला महाराज ये आप जो भी बोले वीडियो के सामने बोलना चाहिए, ताकि सभी शिष्य जानना मतलब दिखाना चाहता हूँ आप फुल टाइम चाहते हैं इस प्रकार से ज्वाइन हो ये मोमेंट में। तो सभी साथ प्रभु थे, महाराज तो हर जगह पे बोल रहे हैं, लेक्चर्स में बोल रहे हैं, इतने लेक्चर्स बोले हैं कोई सुन नहीं रहे। ये विषय के बारे में बहुत जगह पे मैंने सवाल करता रहा और महाराज अलग अलग जवाब देते रहे। अभी रिसेंटली भी यही
चर्चा हुई। इतना कुछ महाराज बोल रहे हैं प्रवचनों में, प्रभुपाद के बुक्स में है, क्या हमें कुछ क्लिक नहीं हो रहा है? वहाँ पे मैंने संडे को भी सुनाया, कृष्णा बुक से स्पष्टीकरण है, कृष्ण चाहते हैं सभी लोग वर्णाश्रम में हो, स्थित हो, कृष्ण के उपदेश है। महाराज बहुत ही सूक्ष्म तर से देख सकते हैं। महाराज ये भी बोल रहे थे, एक श्रीरंगम एक प्रवचन में, क्या भगवत गीता का मैसेज ओनली भक्ति है? भगवत गीता का मैसेज महाराज किस प्रकार से देख रहे हैं? अर्जुन को भगवान कह रहे हैं डू योर वर्क, नीक तुम्हारा कार्य क्या है वो करो। कार्य क्या है? क्या ये जॉब्स करना ये कार्य है तुम्हारा? प्रिस्क्राइब्ड है, कहीं प्रिस्क्राइब किया हुआ है? ये नहीं है। क्या हो गया हमारा, कैसे हो गया ये सारी चीज? 200 साल पहले जो भी गौड़ी मठ में जो भक्ति करते थे वो स्थिति क्या था, और धीरे धीरे मैं जिस वंश में हूँ उसमें एक दो पीढ़ी से हमारे जो पुराने जमाने के जो भी छोड़ने लग गए, मेरे जो पूर्वज है कि आधुनिकीकरण में प्रवेश हो गए तो धीरे धीरे छोड़ने लग गए, उसमें मैं भी एक जॉब के लिए पढ़ाई किया, ये सारी चीज़ में पैदा हुआ और जॉब करता रहा, बीच में इस्कॉन से भक्ति मिल गया। अभी मैं क्या कर रहा था जॉब करते हुए, जो भी इतना उन्नत चीज़ जो मिल गया उसको मेरे जॉब के अनुसार एडजस्ट कर रहा हूँ मैं भक्ति को, या बिजनेस के हिसाब से मैं भक्ति को एडजस्ट कर रहा हूँ। क्या भक्ति एडजस्टेबल है कोई चीज़ के लिए? भक्ति के हिसाब से मुझे एडजस्ट होना है तो भक्ति के हिसाब से एडजस्ट होना है तो आचार्यों से जान लीजिए क्या है करना है। तो इसी के लिए दंगल बोलते हैं ना हिंदी में कुछ, तो दंगल में उतरना है तो कमर कसिए, लंगोटा कसिए, आइए उतरिए जमीन में आइए। आर या पार एक जीवन में कर दीजिए, ऐसे तो बहुत लोगों ने कर चुके हैं, ये मैं इसके माध्यम से बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं गृहस्थों के पास जाए ये लोग ये मैसेज। ऐसे तो गौड़ी मठ में बहुत सारे मठवासी को देख के गृहस्थ आते थे, कभी कभी आते थे, वो बोलते थे आप तो 64 माला के लिए बोलते, मैं तो कभी देखता नहीं हूँ ये लोग 64 माला कर रहे हैं। ऐसे नहीं, बक्सीदान सभा में रहे हैं ये 64 काला माला कर रहे हैं, ये लोग अलग अलग सेवा में लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि 64 माला करके सेवा करना ही ये नहीं है, वो 64 माला भी करते थे, सेवा भी करते थे, उनको नहीं दिखता होगा। मुख्य रूप से 64 माला आप लोगों को चाहिए, आप कहाँ बाहर जाते हो, कुछ करते नहीं हो, कोई अलग अलग जगह पे जाते हो, जॉब जाते हो, बिजनेस करते हो, तो इतना कठोरता से जब बोलते हैं फुल टाइम सर्विस के लिए, लगता है कि डिवोटीज भी गलत समझते हैं। इवन मैं इतना ज़्यादा मेरे अंदर कंपैशन दया नहीं, मैं इवन प्रकट भी कर रहा हूँ मेरे दुर्गुण के कारण, तब भी आपको बेनिफिट हो सकता है फुल टाइम होने से। और बहुत लोग सोचते हैं कि क्या ये फुल टाइम बन गए डिवोटीज, मतलब ये उन्नत हो गए, ऐसा नहीं है। हमारा जो मेन कहना है, आप जो स्थिति में भक्ति कर रहे थे शहर में, ये इससे बहुत गुना बदल जाएगा, ये कहना चाहते हैं। ये पॉइंट समझना बहुत मुश्किल है। जब इस प्रकार से प्रचार करते हैं सभी लोग सोचते हैं कि इसके मतलब फार्म कमेटी जो भी ज्वाइन हो गया फुल टाइम बन गया इसके मतलब वो उन्नत हो गया हमसे, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये पॉइंट भी आते हैं जब प्रचार करते हैं। वो पॉइंट नहीं है, आप हमसे बहुत उन्नत है, हम लोग अभी प्रारंभ अवस्था में हैं, मगर आपका जो उन्नति स्थिति है जब फुल टाइम बन गई, एक बार साथ में 7 दिन में एक बार जो आप कर रहे हो, संडे डिवोटीज बन रहे हैं तो वो 7 दिनों करेंगे वही कार्य, सुबह मंगल आरती से लेकर शाम तक, क्या परिवर्तन हो सकता है? तो इमीडिएटली 7 टाइम्स तो उनकी इंप्रूवमेंट आएगा ना भक्ति में, जो संडे कर रहे हैं। कुछ ही लोग करते हैं संडे भी फुल टाइम, जो मंगल आरती लेके संध्या आरती तक रह के जो करते हैं वो बहुत ही कम लोग हैं। तो मैं मुख्य रूप से फुल टाइम डिवोशन सर्विस के, मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रचार होना चाहिए। मैं भी ये भी लेना चाहिए हमें कि कुछ लोगों को तो फुल टाइम बनाना ही चाहिए, ये मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे संतान की भी जरूरत है। क्या शुद्धिकरण है, बच्चे जो है आते हैं आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन एक टी शर्ट पहन के, ये संडे यहाँ पे को थोड़ा घूम लिया तो भक्ति हो गया क्या? गुरुकुल मतलब क्या है? गुरुर हितम, गुरु के लिए बच्चे को दे देना चाहिए। ऐसे ही
J&K में प्रचार करते हैं महाराज, J&K जम्मू एंड कश्मीर, नव योगेंद्र स्वामी महाराज। एक बार बड़ौदा में आए थे 12-13 साल पहले, वो प्रवचन दे रहे थे, हम लोग बैठे थे, हम लोग जॉब कर रहे थे, सभी चीज़ हो रहा था। बोल रहे थे आजकल इस्कॉन डिवोटी जो है टाइगर बनते हैं, टाइगर, क्योंकि टाइगर जो है बच्चा पैदा करता है और बच्चे को खा जाता है। तो आजकल के कितने जो इस्कॉन के डिवोटीज है उनके बच्चे बता रहे हैं कि उनके बच्चों को एक भगवान का सेवक बनाना चाहते हैं, नहीं IIT और MBBS बहुत बड़े डिग्रीज दिलाना चाहते हैं। ये मूर्खता है, भगवान का भक्त नहीं बनाना चाहते हैं। तो ये स्थिति में हम कैसे ये मूवमेंट को और स्ट्रांग कर सकते हैं? तो बहुत ज़रूरी है फुल टाइम डिवोटीज, ऐसे मंदिरों के इसके लिए भी चाहिए, ऐसे ही वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, क्योंकि पूरा परिवर्तन है। ऐसा तो ये भी हम कहते हैं, इस्कॉन बड़ौदा में हम थे जब 2008 से 2011 के बीच में मैं जिस जॉब में था उसमें सैटरडे संडे छुट्टी रहते थे, तो हम ऐसे तो अच्युत कृष्ण प्रभु ये सभी जानते हैं, श्याम गुण प्रभु, बुक टेबल बाहर लगाते थे, बहुत लोगों को प्रचार करने के लिए बहुत प्रयास करते थे, सिक्सेशन कोर्सेस करते थे, संडे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे। ऐसे ही हर दिन मेरे को ऑफिस में, मैं अकेला ऑफिस का हेड हूँ तो मेरे को बहुत टाइम वहीं पे लैपटॉप में पढ़ने का समय मिलता है। ऐसा है तो बड़ौदा के उस समय डिवोटीज के गंभीर भक्तों की लिस्ट में हमारा हम लोग थे, मगर बहुत भाग्यता पूर्वक भक्तों के कृपा से हमें जब वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटी मिला, अभी लगभग 12 साल हो गया, तो अभी का जो चेतना का अवस्था है बहुत प्रारंभ अवस्था है, कोई उन्नत नहीं है। वो तो मैं कह रहा हूँ कि उन्नत नहीं है, अभी प्रारंभ अवस्था है। मगर जो भी स्थिति में हो अभी, ये स्थिति में यदि मैं शहर में होता, वो जो मैं इतना सिंसियरिटी वो सोच रहा था, उसमें रहते हुए भी मैं भक्ति करता, ये 12 साल का जो प्रगति हुआ ये स्तर में मैं अनेक करोड़ों जन्मों तक नहीं आता, इसमें संदेह नहीं है। और ये नहीं सोचे मैं उन्नत हूँ, अभी उन्नत स्तर में हूँ, नहीं, अभी प्रारंभ अवस्था में, क्योंकि इतना परिवर्तन कहाँ से हुआ? हर रोज भागवतम श्रवणम, वो भी जो विधि से बताए उस विधि से करना। एक श्रेष्ठ व्यक्ति बैठा है और मैं ग्रहण कर रहा हूँ थोड़ा नीचे स्तर पे, और सुन रहा हूँ हर रोज, चर्चा कर रहे हैं भागवतम, इसी से शुद्धिकरण बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हर रोज भागवतम श्रवण और हर रोज कीर्तन में भाग लेना, हमारा मूवमेंट संकीर्तन है, सभी लोग मिलके कीर्तन करना, उससे जो शुद्धिकरण बहुत तेजी से होगा। संकीर्तन में बहुत ज़्यादा भाग लेना और भक्तों का संग, संग से बहुत परिवर्तन हो जाएगा। मैं जब जॉब करता था, जब हमारा ट्रेनिंग हुआ था पुणे में, वो ट्रेनिंग में क्या था, ये ट्रेनिंग हॉल है, 20 लोग बैठे हुए हैं, ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहा है, उसमें एक एक्सरसाइज उसने किया, ये भौतिक है मगर आध्यात्मिक हम लगा सकते हैं। उसमें क्या है, वो गेट खोल के बाहर ले जाता था एक एक व्यक्ति को पहले बारी में। बाहर क्या बना हुआ, दूर से एक बकेट रखा और उसके आगे 3 राउंड चौक से बनाया कुछ दूर पे वो बकेट से, और एक एक व्यक्ति को बाहर ले जाता था, उसको 3 बॉल दे देता, तुम्हें कहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से डाल दो, ताकि उसमें गिरना चाहिए, कि इसमें बकेट में बॉल गिरना चाहिए, मतलब समझे ना। वहाँ श्याम कुंड प्रभु बैठे हैं, वहाँ बकेट है, उससे आगे 3 गोलाई बनाया, गोलाई, तो मेरे को वहाँ पे बॉल कहीं भी खड़ा होकर डालना है उस बकेट में। तो पहले राउंड में क्या किया, एक एक व्यक्ति को बाहर ले गया, डलवाया, तो हम लोग सभी लोग एक एक गए और डाल दिया, बाहर आ गए, अंदर आ गए। फिर सेकेंड राउंड कैसे किया, सभी को बुलाया बाहर, सभी को चारों तरफ खड़ा किया, अभी एक एक को बुला के अभी बॉल डालो, अभी क्या स्थिति है, अभी सभी लोग देख रहे हैं, तो कॉन्शियस हो गए, अभी डालते हो कहाँ से डलेगा, पूरा प्लानिंग से, ये इस गोलाई से गिरेगा, उस गोलाई से, बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट से हम डालना चालू किया। पहले वाले में क्या हो गया, अकेला है ना, कोई नहीं, डाल दिया, चल गया अंदर। अभी जब लोग देख रहे हैं तो परिवर्तन आ गया मेरे चेतना में। ऐसे ही जब संघ में आप रहेंगे, जो भी आपके अंदर वक्रीकरण है, ये टेढ़ा मेढ़ा जो भी है, तो सीधा होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि महाप्रसाद है गोविंद है, वो बिना करके हम तो कितने बार प्रसाद ले लेते, नहीं, मगर भक्तों के बीच में है तो हमारा सारी चीज़ प्रकट हो जाते हैं, बहुत ध्यान से विनम्रतापूर्वक ऐसा नाम ले रहे हैं, ऐसा लगता है, नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं,
पूरा एक्टिंग हम कर सकते हैं, वो एक्टिंग एक दिन रियलिटी हो जाएगा। थोड़े मोड़े कर रहे हैं ना, सभी लोग देख रहे हैं, तो कुछ तो हमारे अंदर है ना, सभी लोग देख रहे हैं, तो हमें भी एक अच्छा भक्त इस कैटेगरी में आना है, रहना है। तो ऐसा एक्टिंग करके करके एक दिन शुद्ध अवस्था पहुंच जाएगा। तो उसी के लिए भक्तों का संग, यदि हम जीवन भर रह सकें और भक्तों के, ऐसा तो मैं बोलता रहूँगा, उस दिन भी मैंने बोला, ऐसा तो मैं कम बोलने वाला, मगर वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटीज फुल टाइम के लिए बोलने के लिए मैं घंटों घंटों बोल सकता हूँ, मैं रोकूंगा मेरे इसको। मगर एक चीज़ मैं बताऊँगा कि हमें भक्ति में आखिरी सांस तक टिके रहने के लिए, मेरे ऊपर मुझे ठीक करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए संघ में या कहीं ना कहीं इस्कॉन में, नहीं तो बचने की संभावना बहुत कम है। हम पूरा गौड़ीय परंपरा हम देख सकते हैं, इस्कॉन का परंपरा हम देख सकते हैं, कितने लोगों का फॉल डाउन हुआ कि हम कभी नहीं सोच सकते हैं कि टेंथ कैंटो का जो महाराज, जो प्रभुपाद के शिष्यों ने लिखा जो कमेंट्री 11वां स्कंद का, तो उनको कमेंट्री देख के नहीं लगता है कि क्या उन्नत है, क्या लिख दिया इन्होंने, मगर कुछ लोगों का स्थिति अभी के स्थिति में अलग हो गया। यदि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का टाइम कर लेंगे तो उनका जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो बताया गया है कि एक तो अनंत वासुदेव प्रभु, दूसरा सुंदर आनंद विद्या विनोद, राइट हैंड माना गया उनका, कि जो भी है उन्होंने बताया, यदि मुझे कोई भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिक्षाओं से अलग करके दिखा दे, ऐसे उन्होंने शपथ किया, मेरे को ये शिक्षाओं से अलग करके मुझे दिखा दे, ऐसा उन्होंने शपथ किया। मगर कुछ समय के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के ये जो भी उपदेश है उनको त्याग कर दिया, ऐसा हो सकता है? इस्कॉन हिस्ट्री में हम देखते हैं, तो कम से कम बहुत लोगों की तो अच्छा है, कम से कम एक व्यक्ति आपको बचाने वाला हो, ऐसा डिफरेंट स्थिति क्रिएट होंगे इसमें आपको। एक्चुअली ब्रह्मचारी मतलब नॉर्मली देखते हैं हमारे संस्था में, इधर उधर जाके यहाँ ट्राई करेगा, वहाँ ट्राई करेगा, यहाँ ट्राई करेगा, हर जगह पे वही स्थिति है भाई, बहुत जगह पे ट्राई करने की जरूरत नहीं, हर जगह पे वैसे ही लोग हैं। हम लोगों के लिए सुधरने के लिए अलग अलग प्रकार के लोग बनाया गया हम लोगों को, किधर सुधरेगा ये, हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत लोगों को हम लोग टॉलरेट कर रहे हैं। मतलब इसके बारे में प्रभुपाद का ये था, प्रभुपाद के बारे में एक डिवोटी जाके मिला, प्रभुपाद मुझे कितना टॉलरेट करना पड़ रहा है यहाँ के डिवोटी से, तो प्रभुपाद ने बोला जिस प्रकार से मैं टॉलरेट तेरे को कर रहा हूँ तुम भी ऐसा करो। तो हर एक व्यक्ति सोचता है मैं दूसरे को टॉलरेट कर रहा हूँ, उसको कितने लोग टॉलरेट कर रहे हैं वो नहीं जानता है। तो ऐसा मेरे को एक एक के बाद और याद आते रहें तो मैं बताता रहूँगा। मैं अभी ये समाप्त करता हूँ, मगर परफेक्शन मतलब बहुत उन्नत अवस्था पहुँचना है, तो हर एक कार्यकलाप में भगवान की ध्यान पूर्वक सेवा हो, ताकि भगवान भी मेरे ऊपर हमारे ऊपर ध्यान कर सके और नोटिस कर सके। ऐसे तो सभी व्यक्ति भगवान के नोटिस में हैं, मगर किस प्रकार से नोटिस में है ये मुझे याद कर रहा है, ये मुझे याद नहीं कर रहा है, ये कुछ देर याद कर रहा है, कुछ देर नहीं याद कर रहा है, उस प्रकार से हम नोटिस में हैं। अभी पूर्ण रूप से हर एक नोटिस में है, मगर हमें पूर्ण रूप से पता होना चाहिए कि हम पीछे पड़े हैं भगवान के। इसके बारे में एक लास्ट वृत्तांत बता देता हूँ। प्रभुपाद ने बताया कि एक प्रभुपाद क्या है कि मॉर्निंग वॉक्स में कई पार्क्स में भी जाते थे, तो एक पार्क में गए तो वहाँ पे बहुत सारे बतख होते थे, फॉरेन में बतख ही बोलते हैं ना, बतख। तो प्रभुपाद ने शिष्यों को बोला कुछ प्रसाद लाए हो क्या, तो इनको दो। तो एक शिष्य ने अपने बैग में से कुछ प्रसाद लिया तो बतखों को देना चालू किया, तो उसमें दो बतख तो पीछे पड़ने लग गए उसके, वो भक्त के। तो ये भक्त ने क्या करना चालू किया, पीछे वाले को सभी को छोड़ दिया, ये दोनों जो एग्रेसिवली उसके पीछे कभी कभी डक साइज पीछे एग्रेसिव बट उन्हीं को देना चालू कर दिया, बाकी को देना चालू बंद कर दिया। प्रभुपाद ने दिखा देखो जिस प्रकार से वो दो बतख जो है पीछे पड़े हैं ना उसी को देना चालू कर दिया, तो जो व्यक्ति इस प्रकार से ट्रेनिंग हो चुका है भगवान के पीछे पड़ने का, ये सेवा मांगने का, मांगने का, हम तो बिल्कुल मांगने के लिए मना करते हैं भगवान से, मगर सेवा मांगने के लिए तो हम सभी को प्रमोट करते हैं, मुझे लगाओ आपके सेवा में लगाओ,
तो ऐसा बार बार मांगने वाले को भगवान दे देते हैं, उसी के लिए एक जीवन आप पूरा उतर जाइए भगवान का सेवा करने के लिए। तो ये हमें भगवान के नोटिस में हो जाइए, हरे कृष्णा। इसमें किसी को कुछ ऐड करना हो, माइनस करना हो और कुछ सवाल हो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। इसका जवाब देने के लिए बहुत सारे वेस हो सकते हैं, मैं कुछ आपको मैं बताता हूँ। अभी रिकॉर्ड भी हो रहा है। गुरु महाराज कुछ लेक्चर्स ये भी दिए हैं कि हमारे जो मूवमेंट है हाईजैक्ड मूवमेंट भी, ऐसा नहीं कि बीच में ये मूवमेंट शुरू हुआ कि फुल टाइम, या प्रभुपाद के स्टार्टिंग मूवमेंट ही फुल टाइम था। जो भी कितने भी भक्त है देखिए, इवन गृहस्थ भी फुल टाइम ही ज्वाइन करते थे, टेंपल ज्वाइन करते थे, फुल टाइम मूवमेंट था। बाद में कुछ लेवल का डाइल्यूट हुआ है हमारा मूवमेंट, ज़्यादा लोग हो रहे थे तभी तो प्रभुपाद जाते थे। अभी टेंपल स्कैटर नहीं कर सकते हैं, उसी के लिए फार्म कम्युनिटी चाहिए, वो भी नहीं है अभी। हमारे इसमें भी बहुत सारे सन्यासी का भी पतन हो रहा है, वर्णाश्रम चाहिए, क्योंकि शहर में जिस प्रकार से वातावरण है उसमें और भी कुछ मीटिंग्स में महाराज ये भी बोलते हैं, हम लोग मीटिंग्स का जो भी बहुत चीज़ हम कुछ बता नहीं सकते, मगर तब भी महाराज ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। महाराज एक जगह पे बता रहे थे सैलम में, बहुत स्टार्टिंग में हमारा ये था मीटिंग्स, उसमें आपको नहीं लगता है कि आपका जो शक्ति है सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक भगवान की सेवा में लगना चाहिए, ये स्त्रियाँ ले लेते हैं आपके, क्या पॉइंट कह रहे हैं, ये एक उन्नत व्यक्ति है ऐसा सोच सकते हैं ना, हम लोग कहाँ ऐसे सोच सकते हैं। मतलब मैं भगवान की सेवा में मेरा शरीर लगा रहा चाहता हूँ, ये BMW है, बॉडी माइंड वर्ड्स लगाना चाहता हूँ, मनसा वाचा करना, मगर उसका बहुत ज़्यादा जो है इस मटेरियल वर्ल्ड में एक स्त्री ले जा रही है, ये शक्ति जा रही है। तो वर्णाश्रम मतलब एक स्त्री के लिए बताया गया है बहुत जगह पे, असूर्य पश्य, मतलब सूरज भी नहीं देखना चाहिए। तो वो गृहिणी है, गृह कार्यों में भी दक्षत होना चाहिए, गृह में ही रहेगी। अभी
इतना ज़्यादा हम लोग एक्सपोज होते हैं। एक्चुअली पूरा ये अट्रैक्शन का प्रिंसिपल क्या है, ये मैं भक्ति में आने से पहले एक अभक्त से सुना था, एज आने के बाद प्रभुपाद की बुक्स ग्रंथ पढ़ने के बाद सही भी लगता है, ये जो अट्रैक्शन का प्रिंसिपल है यही मुहिम ये यहाँ पे बार बार हमें भौतिक जगत में आने के लिए फोर्स करता है। वो गए स्त्री पुरुष के बीच में ये आकर्षण है, तो ये आकर्षण का सिद्धांत कैसा है, पुरुषों के लिए अलग कार्य करता है, स्त्री के लिए अलग कार्य करता है, और मुख्य रूप से कामदेव रति देवी इनकी वजह से ये पूरा है। तो पुरुष में कामदेव है तो वो क्या है कि किसी स्त्री से मिलेगा उससे हर एक स्त्री में रति देवी को ढूंढेगा। थोड़ा समझने की कोशिश करिए और आप समझ में आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जो स्त्री से मिलेगा हर एक स्त्री में रति देवी को ढूंढेगा, उसका जो भोग के विषय ढूंढेगा स्त्री में, और जो स्त्री के अंदर जो रति देवी अट्रैक्शन है उनका कैसे रहता है, आउट ऑफ 1000 एक कामदेव को चुनती है। मतलब दोनों में अट्रैक्शन है एक के प्रति, उस प्रकार से ट्यून्ड है, उस प्रकार से प्रोग्राम्ड है। तो प्रभुपाद ने बताया वो वन ऑफ द पर्पस टू एस्टैब्लिश वन आश्रम फार्म कम्युनिटीज इज सेपरेशन बिटवीन मेल एंड वुमेन। ये बहुत बड़ा जरूरी है, ऐसा नहीं, ये एक मैं कारण बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसा ये भौतिक जगत आगे की तरफ जा रहा है तो बहुत खतरा है सभी लोगों के लिए कि ये आंग जो है स्त्री से मिलने के लिए नहीं, ना देखने के लिए है। इस प्रकार से व्यवस्था बहुत दिया गया है एक पूर्ण रूप से ताकि भक्ति कर सके, उस प्रकार का व्यवस्था था कि स्त्री दिखे नहीं सके। हम मैं तो कम्युनिटी में देखता हूँ, इवन दो कम्युनिटी देख चुका हूँ, ऐसा तो कभी मौका नहीं मिलता किसी स्त्री को दिखे वहाँ पे। मतलब एटलीस्ट इंटरनल कम्युनिटीज उस प्रकार से ट्रेंड है, कैसे कवर करना है, कैसे किसी के सामने नहीं आना है, उस प्रकार से ट्रेनिंग नहीं हुआ तो मेरा जो शक्ति है कुछ तो चला जाएगा इन चीज़ों में। तो अभी आचार्य कह रहे हैं प्रभुपाद चाहते हैं, कृष्ण चाहते हैं, तो इसमें सभी प्रकार का प्रचार हो, सभी अलग अलग लेवल के हैं। यदि जैसा वहाँ पे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का विवाह हुआ माद्री देवीदास, जहाँ तक मेरी याद कर रहा हूँ ऐसा, तो उनको संन्यास दे दिया, बहुत जल्दी शादी हुआ, उसी समय में प्रभुपाद ने संन्यास दे दिया तमाल कृष्ण गोस्वामी, तो सभी भक्त लोग विचलित हो गए, ये कैसे संन्यास आपने दे दिया, एक स्त्री अभी डिपेंडेंट है, ये सारी चीज़ है। तो प्रभुपाद ने बोला कि जब सब्जी ताज़ा हो तभी काट के खा जाना अच्छा है, समझ में ना। तो ये ज़रूरी है, बहुत आगे की तरह तक शुद्धता लाना है लोगों में तो बहुत कुछ स्टेप लिया जा सकता है। ये वर्णाश्रम ऐसा है शुद्धता बहुत अलग अलग स्तर पर ले लेगा, वही हम लाइक एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ये जो इसके बारे में जो मैं लेता हूँ टाइम, लीजिए आप थोड़ा समय लीजिए, आप लोग आगे जाकर प्रचार कर सकें कि दो गांव की स्थिति ये आया है सज्जन तोशानी में आर्टिकल आया, जो पोद्दार हनुमान पोद्दार हनुमान प्रसाद पोद्दार का आर्टिकल बहुत पहले आया ये गौड़ी पत्रिका में, उसको महाराज भक्त सिद्धांत वैभव में भी मेंशन किया, जहाँ तक मेरे को याद कर रहे हैं, तो उसमें लिखा है दो गांव हैं, बीच में एक नदी है, तो एक गांव वाले बहुत ही सुखी हैं और एक गांव वाले हमेशा दुखी हैं। ये दुखी गांव वाले हमेशा हर एक के पीछे बोरी उठा के चलते हैं, हर एक जगह पे जहाँ पे भी जाएंगे बोरी उठा के चलेंगे, कहीं भी थोड़ी रेस्ट करना है बोरी रखेंगे, फिर थोड़ा आराम करेंगे, फिर दोबारा चलते हैं, फिर बोरी उठा के चलेंगे, हमेशा दुखी है। इधर गांव वाले हमेशा बहुत सुखमय आनंदमय, तो वो गांव वाले हमेशा ये लोग बोला था, अरे भाई क्या कर रहे हो उस गांव में, आओ ना देखो ना यहाँ पे हर एक व्यक्ति कैसा आनंदमय स्थिति में, आ जाओ ना पार करके, मगर कोई सुनने रहा था। मगर कुछ दिन के बाद उनको महसूस हुआ ये तो कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये गांव में सभी लोग सुखी है आनंदमय है, कुछ तो है कि हम लोगों को उधर जाना चाहिए। फिर एक एक रास्ते एक लाइन करके सभी लोग उतरने लग गए ये नदी पार करके उधर जाने में, मगर बोरी नहीं छोड़ रहे थे। फिर सामने वाले चिल्लाए, अरे भाई बोरी तो छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, ये बोरी लेके कैसे इसको नदी पार करोगे, वो तो छोड़ना पड़ेगा नहीं तो डूब जाओगे। तो यही अवस्था है, ये अवस्था है, एक अभक्त है एक भक्त है,
इनके स्थिति देख रहा है क्या स्थिति है, इनको बुलाना चाहता है आ जाओ भाई आ जाओ, ये सारी चीज़ छोड़ो। ऐसे ही मैं ये भी देखता हूँ, एक फुल टाइम जो लगा रहा है एक कुछ ले, मतलब ऐसे नहीं उन्नत भक्ति होगा, शहर में फंसा हुआ है उसका भी वही स्थिति में है, कोई देखेगा अरे भाई आओ छोड़ो ये सारी धंधा, ये सारी छोड़ो, बहुत किया बहुत जन्मों में किया ये सारी नौकरी धंधा ये सारी पैसा धन संपत्ति, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। उस प्रकार से उसी के लिए गुरु महाराज वर्ड यूज करें इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रॉड, एक प्लानिंग वे में एक ये प्लान किया है, एक फ्रॉड मतलब एक धोखा उसका भाग बन गया, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा मेरे को। अभी उनका स्पीड एडजस्ट कर रहे हैं वो लोग 2G 3G 4G 5G, हाँ उसके हिसाब से मेरे भी भक्तों भी अपना स्पीड एडजस्ट करना पड़ रहा है, वही मॉडल्स लेना पड़ रहा है। कितने रीजंस मैं बता सकता हूँ ये आधुनिकरण छोड़ने का अनलिमिटेड, क्योंकि ये पूरा जिस समाज में है भोग समाज है, योग नहीं है। जो भारतीय जो संस्कृति है आप देखेंगे उसमें वर्णाश्रम स्थिति में योग प्रदान है, ये भोग प्रदान है। जब से 200 साल से हम लोग ये भोग सामग्री वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिशर्स के माध्यम से, ब्रिटिश ने आके क्या कर दिया, भारतीय जीवन क्या है श्रम प्रदान है, श्रम लगता है हर एक कार्य में, मगर जो फॉरेनर्स है विदेशी लोग है श्रम को बचने के लिए कुछ ना कुछ इन्वेंशन करेंगे, मतलब अवरोह पंथ नहीं है आरोह पंथ, हर एक चीज के लिए ये समस्या है कुछ इन्वेंट करें। वो इन्वेंशन का मार्ग क्या लिया उन्होंने, इधर केमिकल वे और मैकेनिकल वे ढूंढा उन्होंने ईज करने के लिए, ये जो मेहनत से बचने के लिए कि कोई भी काम करना यहां से जाना है। हमारे इंडियंस के पास क्या होगा, घोड़ा गाड़ी होगा या कोई बैलगाड़ी होगा या पैदल चलेंगे, मगर वो नहीं, मेहनत करना पड़ता है इसके लिए, कुछ तो इन्वेंट करेंगे, साइकिल, साइकिल इन्वेंशन भी, फिर मोटरसाइकिल, पेट्रोल डीजल कार, ऐसा करके 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 अभी तक क्या क्या लेवल का कितना कंफर्ट का, मतलब कहीं भी थोड़ा सा मेहनत नहीं करना चाहते, पता है क्या कार्स आ रहे हैं क्या लेवल का आ रहा है, कि कोई अभी उसी पे प्रयोग है कि और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एनिमल कैसे बनाया जाए। एक बार प्रभुपाद के पास आया एक डिवोटी, आके बोला प्रभुपाद प्रभुपाद आपको पता है यहाँ पे बंजी जंपिंग या बंगी जंपिंग क्या बोलते हैं उसको, बंजी बंजी जंपिंग चालू हुआ है। तो प्रभुपाद ने बोला दे आर इन्वेंटिंग न्यू वेज ऑफ सफरिंग, ये है एक उन्नत व्यक्ति का देखने का तरीका है, वॉट एवर इन्वेंशन इज देयर दैट इज कॉजिंग सफरिंग, और ज़्यादा सफरिंग के लिए सारी इन्वेंशंस है। तो उसी में हम लोग भी लगे हैं, इसी के मिले श्रम जरूरी है हर एक व्यक्ति का, इवन आप आश्रम ही है श्रम जरूरी है ये स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। यदि उसको आप आउटसोर्स करते हैं केमिकल वे, मेरे को मेहनत करना नहीं, कपड़े धोऊंगा मैं साबुन लगा उसमें एक और लेटेस्ट वेरिएंट्स आ रहे हैं लिक्विड सोप तुरंत आपको कर दे, मगर जमीन में क्या डाल रहा है वो, कितना स्ट्रांग केमिकल्स यूज कर रहा है, मतलब कहीं भी मेहनत नहीं करना चाहता है, स्विच दबाना फैन मैं इससे नहीं करूँगा, ठंडा पानी मटका से नहीं चाहिए फ्रिज से चाहिए, और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, मैं पेड़ को अंदर जो अग्नि कर रहा है उसको बुझाना है मंदिर, समझ में। तो इस प्रकार से इन्वेंशन, कोई भी चीज़ आप इन्वेंशन है वो उसके पीछे बहुत बड़ा आपका साथ धोखाधड़ी है। और कितने मैं बता सकता हूँ इसके बारे में, पूरा US का प्लान क्या है, बेस्ट पैकेज से बेस्ट टैलेंट ले रहा है ना वो, वर्ल्ड वाइड लोगों का टैलेंट, इंडिया का बहुत बड़ा टैलेंट, साउथ इंडिया का बहुत बड़ा टैलेंट US के पास है, बेस्ट पैकेज देते हैं करोड़ ऑफ रुपीज, मगर वो सारे टैलेंट को वर्ल्ड वाइड का टैलेंट को किसके लिए यूज़ करते हैं, उनका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, वेपन्स डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, मेडिसिन डेवलप कर रहे हैं, और फैशन इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं ताकि उनके हाथ में पूरा दुनिया को चला सके। आप जिलेट यूज़ करते हैं, ब्लेड कहाँ का कंपनी है, कोक पीते हैं, जो ब्रांड्स यूज करते हैं सभी कहाँ से, पूरा माइंड कहाँ लगा रहे हैं वो लोग, ये फ्रॉड में हम लोगों को इसको लेके, मतलब हम लोग भी उसी के बाग बन रहे हैं उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो चार महापातक बताया है, हम लोग सभी को जानते हैं हम चार नियम है, वो चार महापातक है, पातक नहीं है महापातक, मतलब व्यभिचार करना, मांसाहार करना, जुआ खेलना और नशा करना या मांसाहार, ये महापातक है, सामान्य पातक नहीं है।
मगर शास्त्रों में पांचवा महापातक के बारे में भी वर्णन है, जो ये चारों में लगा हुआ कोई भी व्यक्ति से संग करना इटसेल्फ महापातक है। कैसे संभव है जो शहर में जॉब करने वाले इनके साथ संग ना करें? संग आप भी कर रहे हैं, किस प्रकार से संग दे रहे हैं आप? तो संग नहीं कर रहे, मगर वहां पे संग करना पड़ेगा। क्या शुद्धि का नियम पालन कर सकता है कोई जॉब जाने वाला? कोई भी लघुशंका काटने के बाद क्या पांव धो सकता है कोई शुद्धि? उसी के लिए महाराज कोई ब्राह्मण दीक्षा जो भी जॉब कर रहे नहीं दे सकते, देते नहीं। कोई ब्राह्मण का कार्य कहां कर रहा है? तो शुद्धिकरण के बहुत ज्यादा नियम है। किसके साथ बैठना पड़ रहा है, किसके साथ व्यवहार करना पड़ रहा है, उसका सारी चेतना आपके चेतना के अंदर आता है, उसी के हिसाब से स्पीड आपको भी रखना पड़ता है। अप्रेजल में आपको एक भौतिक रूप से दिखाना पड़ता है, मैं भी बहुत परफेक्ट हूँ जॉब करके मैं दिखा सकता हूँ। तो पूरा चेतना को उसी के लिए हर रोज जो प्रवचन है, ये प्रवचन हमें हीरो से जीरो बनाने के लिए, हर रोज हम अपने आप को हीरो बना देते हैं। जैसा माइक्रोमीटर होता है ना, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर, इसमें जीरो करना होता है, नहीं जीरो करो तो ये जो पूरा हम लोग मटेरियली कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, हर रोज पहुंच जाते हैं। हम तो हमारा चेतना में क्या भगवान के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, मैं कितना महान हूँ वही ज़्यादा चलता है ना। अभी लेक्चर में हम सभी लोग बैठते हैं, हमें नींद क्यों आती है? क्योंकि भगवान के बारे में कीर्तन होता है। यदि मेरे बारे में कीर्तन हो, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, कभी सो सकता हूँ क्या? संभव है? थोड़ा सा भी गुणगान कर देना, आ क्या फिर अनेक मतलब दिनों तक वो सोएंगे नहीं एक एक क्लास में, क्योंकि रक्ति नहीं है भगवान के कीर्तन में। तो उसी के लिए हर रोज श्रवण करने से जो परिवर्तन आएगा आप सोच नहीं सकते। तो उसी के लिए वर्णाश्रम चाहिए, ताकि जो शहर के भक्त जो हैं मुख्य रूप से गृहस्थ, उनको समय मिल सके, उनको और शुद्ध कर सकें। और आने वाला पीढ़ियाँ जो है, हम कब तक रहेंगे, इसको आगे ट्रांसफ़र कैसे होगा? उस तरीके से कोई रहेगा तो ऐसा 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 जाता रहेगा, इसको परंपरा को ले जा सकते हैं। उसी के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत है। उसी के लिए परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, बहुत लोग ने इसको इस क्या फॉरगॉटन मोमेंट, हाँ इस कौन फॉरगॉटन मोमेंट। हरे कृष्णा।